धन्यवाद आपका। लखनऊ प्रदेश में तेजी से बढ़ा डायरिया का प्रकोप। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, डायरिया से महामारी में 8 लोगों की मौत। अगस्त माह में अब तक 577 मरीज मिल चुके हैं डायरिया के। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गोंडा अयोध्या में समेत प्रदेश के 20 जिलों डायरिया की चपेट में भी हैं। स्वास्थ्य विभाग का जागरूकता अभियान चलाने का दावा फेल, डायरिया से 577 लोग मिल चुके हैं। प्रदेश में तेजी से बढ़ा है डायरिया का प्रकोप। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया था साफ इनकार। केंद्रीय मंत्री अजय श्रेणी बेटे हैं आशीष मिश्रा। गाजियाबाद सम्मेलन में सरेआम लहराए गए हथियार। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, सरेआम हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। हिंदू रक्षा दल के स्थापना दिवस पर था सम्मेलन जिसमें सरेआम हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। शहीदाबाद के शालीमार गार्डन इलाके का है मामला जहां सरेआम हथियार लहराते नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर, पिंकी चौधरी वायरल वीडियो में साफ दिखाई दी। लखनऊ नगर निगम का बड़ा फैसला, अटल और कल्याण के नाम पर वार्ड बनाने का फैसला। इस वक्त से लखनऊ की बड़ी खबर, परिसीमन के बाद बनाए जाएंगे अटल और कल्याण के नाम पर वार्ड। एक वार्ड अटल बिहारी के नाम पर होगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ नगर निगम का बड़ा फैसला, अटल और कल्याण के नाम पर वार्ड बनाने का फैसला लखनऊ नगर निगम ने लिया। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 72.1 मीटर पर बह रही है गंगा। सुबह 8 बजे 72.1 मीटर पर दर्ज किया गया है। लखनऊ वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर। बुलंदशहर गंगा तट पर स्नान के दौरान डूबी 3 महिलाएं। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, शोर मचने पर गोताखोरों ने की मदद। 2 महिलाओं को सकुशल निकाला बाहर। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गंगा में डूबी 1 महिला की तलाश जारी किया जा रहा है। अलीगढ़ जिले के गठोली गांव की रहने वाली थी महिलाएं बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। बुलंदशहर गंगा तट पर स्नान के दौरान डूबी 3 महिलाओं, 2 को बाहर निकाला गया। अलीगढ़ जिले के गठोली गांव की रहने वाली थी महिलाएं बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ विशाल जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या खबर आ रही है, क्या जानकारी मिल रही है? 2 महिलाएं सकुशल बाहर निकाली गई हैं, 1 की तलाश जारी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जनपद बुलंदशहर के रामघाट गंगा तट पर गंगा स्नान करने आई थी 3 महिला, जो गहरा गड्ढा होने के कारण वो तीनों महिला गंगा में डूब गई थी, जिनको गोताखोरों ने दोनों को निकाल दिया है। सोशल वो अलीगढ़ जिले के गांव गहटोली की बताई जा रही थी, जिसमें 1 महिला को तलाश जारी की जा रही है। जी, इस जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। अब
अब स्कूलों में सड़क सुरक्षा पाठ पढ़ाया जाएगा। लखनऊ के अब स्कूलों में सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। लखनऊ की प्रार्थना के समय बढ़ाया जाएगा पाठ। परिवहन विभाग की पहली पहल पर जारी किए गए निर्देश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूलों में अब संयुक्त बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। गोरखपुर से बड़ी खबर, दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम ने एक एक कर सबकी सुनी समस्या। अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मंदिर स्थित हिंदू सेवा आश्रम में हुआ कार्यक्रम। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।